सो वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड। तो कैसे हो यार आप लोग। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं प्लस डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस, प्लेसमेंट, कॉलेज का एनवायरमेंट, लाइफ, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैसा कैंपस है। अगर GTPIT की बात करूं तो ये आपका अंडर GGSIPU के अंदर में अफिलेटेड कॉलेज है, यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ऑफ फिलेशन है और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का आप जानते हो क्या लेवल है। बात करूं उस कैंपस का स्टार्टिंग का, या तो 1999 में कैंपस स्टार्ट हुआ है, 1999 में कैंपस स्टार्ट हुआ है और कैंपस हो चुका है 24 ईयर्स ओल्ड कैंपस, 24 साल पुराना कैंपस हो गया है। और बात करूं GTPIT का, तो GTPIT आपका सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है जो आपका चलता है। इसके ट्रस्ट के अंदर में दिल्ली सिक्किम गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अंदर में कैंपस रन होता है। जो अप्रूवल है आपका AICTE से अप्रूव्ड है, उसके अलावा आपका UGC से भी अप्रूव्ड है आपका। उसके अलावा बात करें तो ऑफिलेशन मैंने बात किया आपका GGSIPU से ऑफिलेशन कैंपस है। अगर बात करें इस कैंपस का कनेक्टिविटी का, तो आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से अगर आते हो कैंपस के पास, तो इसका जो डिस्टेंस है आपका 18 किलोमीटर है। वहीं आप अगर आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से अगर इस कैंपस के पास डिस्टेंस आते हो आप आने का, तो जो डिस्टेंस है आपका 13.5 किलोमीटर, 13.5 किलोमीटर डिस्टेंस है। वहीं अगर आनंद विहार रेलवे स्टेशन से बात करो उसकी डिस्टेंस का 35 किलोमीटर अप्रोक्स में डिस्टेंस है। जो नियर इसके पास जो मेट्रो है आपका, जो नियर बाय जो मेट्रो है आपका सुभाष नगर एंड मायापुरी मेट्रो स्टेशन है कैंपस के पास, जहां से अपना नजदीकी मेट्रो मिलता है। और बस की बात करूं तो बस आपका डायरेक्ट कैंपस के गेट तक रुकता है, तो कनेक्टिविटी का दिक्कत नहीं है। और दिल्ली के अंदर में है कॉलेज और काफी अच्छा कॉलेज है। IP यूनिवर्सिटी के अंदर में बच्चे इस कॉलेज को देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर भी इस कॉलेज को देखे थे और यहाँ पर एडमिशन भी लिए हैं। तो अगर आप अच्छे कॉलेज के तलाश में हो, ठीक है, और आप अच्छे कॉलेज देख रहे हो कम बजट में, तो आपके लिए कॉलेज काफी अच्छा है। डिस्कस करते हैं यहाँ पर ब्रांचेस का। तो BTEC ऑफर होता है बेसिकली, यहाँ जो ब्रांच देखने को मिलेगा आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा ब्रांच में BTEC के अंदर में। बात करें फी का BTEC का, तो BTEC का पहला साल में जो फीस है आपका 1,43,000 अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट ईयर में फीस है। सेकंड ईयर से फीस आपका 1,13,000 अप्रोक्सीमेटली फीस लगता है। फीस का कंटिन्यू करना सेकंड ईयर जो ऑनवर्ड से 1,13,000 फीस जोड़ना, लगभग जो फी बैठता है लगभग 4.5 लाख करीब फीस आपका लग जाता है कैंपस के अंदर में। अगर आप इस कैंपस को देख लो 4.5 से 5 लाख फी के बजट में आराम से आप इस कॉलेज को पढ़ सकते हो। नियर बाय आपका कैंपस के बाहर में भी आपको बहुत सारे PG अवेलेबल मिल जाते हैं। अगर हॉस्टल फैसिलिटी अगर चाहते हो सस्ता में, तो नियर बाय आपका PG वगैरह भी है, आपको कम कॉस्ट में अच्छा फैसिलिटी ऑफर करते हैं और बढ़िया है। और इन्वायरमेंट की बात करूं तो यार IP यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज है और कुछ ही अच्छे कॉलेज है IP यूनिवर्सिटी का प्राइवेट में, उसमें से एक आपका ये आता है। तो आप इस कॉलेज को देख सकते हो। कटक देखोगे तो कटक आपका, अगर मैं बात करूं सबसे जो लोएस्ट ब्रांच अगर जो दिखा जाए तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, आराम से अगर 2.5-3 लगता है रैंक है आपका, तो यहाँ पर आराम से ब्रांचेस मिल जाता है। थोड़ा सा जो कंपटीशन होता है कंप्यूटर साइंस को लेकर होता है हर साल। तो ये कटअप का एक सिनेरियो है, किसी को कटअप के बारे में जानना हो वो मुझे पर्सनली पिंग करना। ये बात रहा कुछ कॉलेज का बेसिक चीज। एडमिशन की बात करूं तो एडमिशन आपका जो मोड है यहाँ पर, अगर BTEC में एडमिशन देख रहे हो तो आपको भाई जरूरी है कि JEE मेंस का एग्जाम दिया होना कंपलसरी होता है, चाहे आप मेरिट कोटा से लो या मैनेजमेंट कोटा से लो, तो एग्जाम देना कंपलसरी है, ये चीज दिमाग में आप डाल लेना। उसके बाद बात करूं डायरेक्ट एडमिशन का जो पॉइंट आता है इसके लिए आप आए हो, तो डायरेक्ट एडमिशन भाई हर प्राइवेट कॉलेज 99.9% जो कॉलेज है इंडिया में, हर प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होता है, ऐसा बात नहीं है। वो डिपेंड करता है कॉलेज का क्या रूल एंड रेगुलेशन आता है सकता है, तो डायरेक्ट एडमिशन भी अवेलेबल होता है। अब कॉलेज डिपेंड करता है क्या कैसे क्या कर रहा है, तो किसी को अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे से पर्सनली पिंग कर लेंगे। बात करते हैं प्लेसमेंट का, तो जो एवरेज प्लेसमेंट इस कॉलेज का देखोगे आप, तो 6 से 7 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट आराम से इस कॉलेज से जाता है। मिनिमम प्लेसमेंट 3 लाख रुपए का है। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करो तो 45 लाख रुपए का हाईएस्ट प्लेसमेंट है। जो आपको यहाँ पर सीनियर मिलेंगे वो भी आपका मतलब काफी ख्याल रखेंगे, ऐसा बात नहीं है, और सीनियर भी आपको सपोर्टिव मिलते हैं, तो बहुत अच्छा है। और देखा जाए कैंपस का रिव्यू तो ठीक ठाक है और अच्छा कॉलेज है। इसके रिगार्डिंग कोई क्वारी हो, कुछ पूछना हो, कुछ छूट रहा होगा इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किया होगा, आप मेरे से पर्सनली अपनी राय विचार कर सकते हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ताकि आप तक मेरे और भी वीडियो का अपडेट आप तक आते रहेगा।